नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब के विधानसभा चुनाव परिणाम आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। नतीजों में कुमाऊं आगे, उत्तराखंड में सबसे पहले कुमाऊं की लालकुआं और खटीमा सीट के सबसे पहले नतीजे आएंगे। वहीं देहरादून जिले में राजपुर रोड, विकास नगर और देहरादून कैंट के परिणाम सबसे पहले आएंगे। बूथों की संख्या एवं राउंड के हिसाब से धर्मपुर सीट के परिणाम सबसे अंत में जारी होंगे। शराब बिक्री पर प्रतिबंध, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नतीजों के कारण देहरादून जिला प्रशासन ने आज शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार के नियमों के अधीन समस्त मादक द्रव्यों के विक्रय पर रोक लगाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मतगणना के दिन किसी भी होटल, भोजनालय या फिर शराब के ठेकों में या फिर अन्य सार्वजनिक या व्यक्तिगत स्थान में भी शराब आदि की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। मौसम अपडेट, उत्तराखंड में मौसम विभाग ने मतगणना वाले दिन उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया है। इन जिलों में 3500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। विजय माल्या केस में सुनवाई, भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ अवमानना मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। शीर्ष अदालत एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि सजा के मुद्दे पर माल्या को इस मामले में अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। UCEED का रिजल्ट होगा जारी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन 2022 के परिणाम की घोषणा करेगा। उम्मीदवार UCEED की आधिकारिक वेबसाइट www.uceed.iitb.ac.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं। स्कोर कार्ड 14 मार्च से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध हो। उत्तराखंड COVID-19 ट्रैकर, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की रफ्तार दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बीते 24 घंटे के भीतर 23 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 50 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं एक मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 444 हो गई है। देहरादून में कांग्रेस के वॉर रूम में चहल पहल, जीत का भरा दम। उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में मतगणना जारी है। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, अब EVM से मतों की गिनती हो रही है। इस दौरान देहरादून DM डॉक्टर राजेश कुमार और SSP देहरादून से सभी मतगणना स्थलों का निरीक्षण किया और तमाम व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही देहरादून की 10 विधानसभा सीटों पर मतगणना को तेज कर दिया है। मतगणना से ठीक पहले हर्ष रावत ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर खड़े किए सवाल, जानिए क्या कहा। मतगणना से ठीक पहले पूर्व CM हरीश रावत ने हरिद्वार में स्ट्रांग रूम में लगे CCTV कैमरे बंद होने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी को संज्ञान लेने की बात कही है। उन्होंने स्ट्रांग रूम में लगे हुए CCTV कैमरे बंद होने पर चुनाव निष्पक्ष होने को लेकर सवाल उठाए हैं। हरीश रावत के स्ट्रांग रूम के CCTV कैमरे बंद होने की शिकायत पर राजनीति गर्मा सकती है। पूर्व CM हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी इस तथ्य का संज्ञान लेंगे कि हरिद्वार के अंदर स्ट्रांग रूम में लगे CCTV कैमरे 3 बार अभी तक बंद हो चुके हैं। लोगों को पुख्ता तौर पर संदेह है कि राज्य सरकार की प्रतिष्ठा 1-2 मामलों में दांव पर लगी हुई है, इसलिए ये इनके इन प्रकरण से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। कम से कम चुनाव की निष्पक्षता को और इस तरीके से स्ट्रांग रूम में CCTV कैमरे बंद होने लग जाएंगे, वो भी एक बार कोई संयोग मान लिया जाएगा, मगर यह 3-3 बार ऐसा होना यह बहुत गंभीर संदेह पैदा करता है। मतगणना से पहले हरीश रावत ने गंभीर सवाल उठाए, जिससे उन्होंने चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती रुझान में बराबरी की टक्कर, प्रत्याशियों ने कहा अपने मन की बात। उत्तराखंड में सभी 13 जिलों में मतगणना शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो चुकी है, अब EVM से मतों की गिनती हो रही है। हरिद्वार के मतगणना स्थल BHL सेक्टर 2 शिवदेव स्कूल में मतगणना जारी है। मतगणना स्थल जाने से पहले प्रत्याशियों ने अपनी राय रखी। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनने का जो सपना देख रहे हैं, वह सपना टूटने वाला है। सतपाल महाराज, BJP के वरिष्ठ नेता सतपाल महाराज ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत जो सपना देख रहे हैं, वह चुनाव नतीजे सामने आने के बाद टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ BJP दोबारा सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस हाईकमान की पार्टी प्रत्याशियों पर पैनी नजर, देवेंद्र यादव बोले हमें सतर्क रहने की जरूरत। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। ऐसे में मतगणना से पहले कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को लेकर प्लान तैयार किया है। पार्टी कुछ खास रणनीति के तहत इस बार अपने प्रत्याशियों पर नजर बनाए हुए हैं। कांग्रेस की यह रणनीति भाजपा के तोड़फोड़ अभियान को फेल करने के मकसद से बनाई गई है। हालांकि कांग्रेस और BJP दोनों इस चुनाव में अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल पर SDC फाउंडेशन ने खड़े किए सवाल, बोले सुधार की आवश्यकता। उत्तराखंड चुनाव परिणाम से पहले आए एग्जिट पोल को लेकर SDC फाउंडेशन ने सवाल खड़े किए हैं। SDC का कहना है कि उत्तराखंड में 11,000 से अधिक मतदान केंद्र है और इसमें 7,000 से अधिक मतदान केंद्र ऐसे हैं जिसमें 1 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता है। क्या उत्तराखंड के एग्जिट पोल करने वाले संस्थानों ने इस क्षेत्रों में जाकर जनता की राय पूछी है? इससे 36 से 40 सीटों की रेंज के मानक पर भी सवाल उठता है।
अनुबंध खत्म होने पर कोरोनेशन अस्पताल बंद, हाईकोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल कोरोनेशन देहरादून में पीपीपी मोड में संचालित कार्डियक यूनिट को सरकार द्वारा बंद करने पर हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने के आदेश पर इन यूनिट के पुनः संचालित होने तक हृदय रोगियों का निशुल्क इलाज देहरादून के 6 प्रमुख अस्पतालों में कराया जाए। वहीं इन अस्पतालों की सूची सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी है। देहरादून पहुंचे बघेल, कांग्रेस को बचाने के लिए विधायक को एयरलिफ्ट तक करने की तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने देहरादून में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस को डर है कि बीजेपी सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने विधायकों को किसी भी तरह दूसरे पाले में जाने से बचाने की कवायद तेज भी कर दी है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को एयरलिफ्ट तक करने की तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1939 बद्रीनाथ मंदिर एक्ट मामले पर सुनाई केंद्र राज्य सरकार से जवाब तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को 1939 में बने उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ मंदिर एक्ट संशोधन मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता का कहना है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को नष्ट करने के लिए यह एक्ट जोड़ा गया है। कोर्ट ने मामले पर केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा है। रोशनाबाद जेल में बंद कुख्यात प्रवीण को मोबाइल पहुंचाने की साजिश नाकाम, वकील के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जिला कारागार रोशनाबाद के बंदी रक्षकों की सजगता के चलते कुख्यात अपराधी तक मोबाइल पहुंचने से पहले ही पकड़ा गया। कुख्यात का अधिवक्ता बताया जा रहा है शख्स सामान गेट पर देकर ही वापस लौट गया। सामान पर शक होने पर बंदी रक्षकों ने जब सामान की तलाशी ली तो उसमें छिपाकर रखा गया मोबाइल पकड़ा गया। हालांकि इससे पहले बंदी रक्षक उस शख्स को पकड़ते हुए फरार हो गया। सिरकुल पुलिस ने अधिवक्ता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सेल्फी लेते वक्त पटना वाटरफॉल में गिरा पर्यटक ऋषिकेश, साईं घाट पर मिला शव। 2 मार्च को लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र स्थित पटना वाटरफॉल के पास सेल्फी लेने के दौरान एक पर्यटक का पैर फिसल गया, जिसकी वजह से वह गंगा नदी के तेज बहाव में बह गया। वहीं आज गंगा में बहे पर्यटक का शव पुलिस ने ऋषिकेश में साईं घाट के किनारे बरामद किया है। साथ ही पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। वहीं परिजनों ने शव की शिनाख्त की है। पुलिस ने 24 घंटे में किया ट्रक चोरी का खुलासा, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ट्रक चोरी का खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोर कोई और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट कंपनी का पूर्व कर्मचारी था। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने ट्रक को भी बरामद कर लिया है। ये पूरा मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरा रिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के उम्र कैद की सजा काट रहे एजी पैरा रिवलन को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने इस दलील पर गौर किया कि दोषी 30 साल से अधिक समय से जेल में है और जेल के अंदर और पैरोल की अवधि के दौरान उसका आचरण संतोषजनक रहा है। खटीमा में बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, घर में मचा कोहराम। खटीमा कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 2 युवक नानक मत्ता सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे से दोनों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का कम पैसा देने पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के पैसों का किसानों को गलत आंकड़े पेश कर कम दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आर सी खुलबे की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार से 6 अप्रैल तक जवाब पेश करने को कहा है। साथ में SBI जनरल इंश्योरेंस व NCMSL कंपनियों को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लए 6 अप्रैल की तिथि नियत है। हरीश रावत जीत के लिए आश्वस्त, कहा हम पीछे चल रहे वहां कड़ा मुकाबला। पूर्व सीएम हरीश रावत के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी अहम है। उम्र के लिहाज से ये चुनाव उनके राजनीतिक करियर की दिशा तय करेगा। जबकि हरीश रावत ने 48 सीटों पर जीत की बात फिर से दोहराई, उन्होंने कहा कि हम जीत के लिए आश्वस्त है, हम ज्यादातर सीटों पर जीत रहे हैं और जहां हम पीछे चल रहे हैं वहां एक करीबी मुकाबला है। एक घंटे में ये बढ़त उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए बहुमत में तब्दील हो जाएगी और पंजाब में भी उसे बहुमत मिलेगा। हत्यारे पति को आजीवन कारावास, कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50,000 के अर्थदंड भी लगाया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।